बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर छात्रों के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा न्यूज है। अब सभी छात्र ऑनलाइन अपने कॉपी को देखो। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे किस प्रकार से आप अपने कॉपी को ऑनलाइन देख सकते हैं, इसके लिए आपको क्या सब करना पड़ेगा ताकि आप जो है कि अपने कॉपी को देख सके कि आपकी कॉपी की जाँच जो है सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। सभी छात्र जान सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी कॉपी जांची गई है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दें ताकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चलाते हैं तो वहां पर सर्च करें सम्राट सर मैथमेटिक्स, फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पर सर्च करें सम्राट सर, उस वहाँ पर भी आप जुड़ करके आप सभी न्यूज़ को पा सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि किस प्रकार से आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कॉपी मंगाना है और कैसे आप अपने कॉपी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपना कॉपी प्राप्त करने के लिए क्या सब करना होगा। तो बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर सहित अन्य परीक्षाओं की मूल्यांकित यानी जिसका जांच हो चुका है कॉपियों की छायाप्रति प्राप्ति करने के लिए रिजल्ट आने के 3 महीने के अंदर ही आवेदन करना होगा। यानी रिजल्ट जैसे जारी होगा तो 3 महीने के अंदर ही आवेदन करना होगा, उसके बाद ही आपको कॉपी मिलेगा। रिजल्ट घोषित किए जाने के 3 महीने बाद मिले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं होगा। यानी रिजल्ट घोषित हो जाता है, 3 महीना से अधिक हो जाता है, आप आवेदन करते हैं तो उस आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने मूल्यांकित कॉपियों की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए छात्रों के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो देखिए क्या सब निर्देश हैं इसमें है कि इसमें कहा गया है कि परीक्षा फल प्रकाशन के 3 माह के बाद परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की मांग से संबंधित आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। छायाप्रति प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी आवेदन पत्र में विवरण अंकित कर अपलोड करेंगे। यानी एक आवेदन पत्र खुलेगा और उसमें जो भी विवरण मांगा जाएगा उसमें आपको सभी जानकारी फिलअप करना होगा। अब देखिए क्या सब स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। तो आवेदन के साथ पंजीयन रसीद यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड की छायाप्रति भी स्कैन कर अपलोड करनी होगी। अब देखिए उसके बाद आपको फ़ी चुकाना होगा। फ़ी चुकाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने दिन में कॉपी मिल जाएगा। तो 30 दिनों के अंदर पते पर आएगी उत्तर पुस्तिका। छात्र छात्राओं के आवेदन के बाद संबंधित मूल्यांकन सह पुनरीक्षण केंद्र निदेशक द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति आवेदक के पते पर भेजी जाएगी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि समिति के नियंत्रण के बाहर किसी कारण से उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति उपलब्ध कराने में विलंब के कारण परीक्षार्थियों को हुए नुकसान के लिए समिति जिम्मेवार नहीं होगा। परीक्षक या मूल्यांकन से संबंधित कर्मियों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। एक परीक्षार्थी एक बार ही आवेदन कर पाएंगे, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जान लिया है कि किस प्रकार से आप अपने कॉपी को मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित जानकारी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।